सो पहले लिख लो, देन सम करते हैं. इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इफ फॉर गिवन, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है. इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो. इसको हम डेल्टा रीड करते हैं. इफ फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, फॉर ऑल एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा. देन वी से एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल एज एक्स टेंस टू ए. एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल एज एक्स टेंस टू ए. लिख लिया इतना? यस मैम. ओके. यस अभी ये लास्ट लाइन देखो, एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल एज एक्स टेंस टू ए, मतलब इसका मीनिंग क्या है लिमिट्स के टर्म में? दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए, तब एफ ऑफ एक्स मेरा किधर जाएगा? एल को, राइट right? यस है ना. ये जो मैंने लिखा है, दिस इज नथिंग बट दिस डेफिनेशन. ओके. अभी ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, लाइक फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये एप्सिलॉन बहुत स्मॉल नंबर रहेगा एक. फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ये सेटिस्फाई होना चाहिए. तब हम बोलते हैं कि एफ एक्स टेंस टू एल एज एक्स टेंस टू ए. फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लो एक, 7.1. जस्ट अ मिनट. 7.1 क्वेश्चन नंबर 4. ओके. फर्स्ट वन, लिमिट एक्स टेंस टू टू, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, ठीक है. ये ऑलरेडी लिमिट हमें दिया है. हमें करना क्या है, सिर्फ इन द फॉलोइंग एग्जांपल गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो फाइंड द डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे. ओके. मींस हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि देर एग्जिस्ट सम डेल्टा फॉर विच ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट्स व्हाई ये लिमिट आएगा. ये हमें शो करना है, ठीक है. तो वो कैसे करेंगे? टू फाइंड डेल्टा, एक बार फिर से बताओ ना, मेरा नेटवर्क गया था. सी दिस इज माय डेफिनेशन. ये मेरा थ्योरेटिकल डेफिनेशन है. मींस अगर तुम कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लोगे तो वहां पे डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट होना चाहिए सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है. ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है लिमिट का. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो. ये लिमिट ऑलरेडी हमें दिया है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, 2x प्लस 3 का वैल्यू 7 आएगा. हमें इसको थ्योरेटिकली शो करना है. अब बताओ मुझे, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मींस डेल्टा आएगा ना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? यस यस. वही डेल्टा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो टू फाइंड आउट दिस डेल्टा सच दैट लिमिट एक्स टेंस टू टू, 2x प्लस 3 इक्वल टू 7. तो इसको अभी कंपेयर करो कंपेयरिंग विद लिमिट x टेंस टू a
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, ये मैंने जनरल फॉर्म लिखा है सी, राइट। अब मुझे बताओ ए इक्वल टू टू, ए इक्वल टू टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एंड एल इक्वल टू सेवन, वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब तुम्हें ये डेफिनेशन में अप्लाई करना है एंड देन ये डिराइव करना है दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन से। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, एफ ऑफ एक्स इज टू एक्स प्लस थ्री माइनस एल इज सेवन मॉड लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज अभी थ्री माइनस सेवन क्या हो जाएगा फोर, सो टू एक्स माइनस फोर लेस देन एप्सिलॉन। टू यहां से कॉमन निकाल लो, दैट इज मॉड ऑफ टू एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन। अब मुझे बताओ मॉड टू इक्वल टू टू टू, सो टू एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको तुम मॉड के बाहर निकाल सकते हो, दैट इज टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन। डिवाइड करो इस इक्वेशन को टू से, सो दैट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। ओके अभी देखो ये है मेरा इक्वेशन वन, ये है मेरा इक्वेशन टू। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमने क्या डिराइव किया है, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। नाउ अभी टू किसका वैल्यू है, ए दैट मींस ऐसा हो गया एक्स माइनस ए लेस देन सम वैल्यू दैट इज एप्सिलॉन बाय टू। अभी डेफिनेशन देखो, mod of x f of x minus a less than epsilon for all mod x minus a less than delta, that means तुम delta का value क्या consider कर सकते हो, epsilon by 2 by 2 epsilon by 2, so therefore take delta less than equal to epsilon by 2 so that mod of x minus less than a less than delta है? Right, less than equal to means see mod of x minus a is less than epsilon by 2, right? Yes. हमें क्या चाहिए, हमें ये value चाहिए x minus a less than delta. Screen blur है थोड़ा. Yes ma'am. Screen blur है एक मिनट. मामा अभी ठीक ही था. Okay, refresh करने दो. ओके अभी ठीक है मिस, वो फर्स्ट इक्वेशन बनाया ना उधर से फिर से समझाओ ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मैंने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, नथिंग एल्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एंड देन उसके बाद ये सिर्फ अल्जेब्रिकली सॉल्व करते गए हैं, ठीक है। सो हाँ ये तो पूरा थोड़ा रिपीट करके बताओ ना, कॉल योर इंटरनेट पे क्लिक नहीं हो रहा था तो मेरा समझा नहीं मतलब पूरा। ओके ओके सो स्टार्टिंग से देखो, सी हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। दैट मींस ये हमारा जनरल फॉर्म है, इसको तुम कंपेयर करो इससे, एंड ए मतलब वो साइड में जो लिखा है वो भी बताओ ना, दिस वन यस, ये जो है ये मेरा थियोरेटिकल डेफिनेशन है लिमिट का, ठीक है। For if for any given epsilon greater than zero, there exists some delta greater than zero, such that अगर ये condition satisfy हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि f of x tends to L as x tends to A. F of x tends to L as x tends to A. अगर ये condition satisfy होता है तो, ठीक है। अब question में already हमें ये condition दिया है, ये limit satisfy हो रहा है। अगर ये लिमिट सेटिस्फाई हो रहा है मतलब डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा, राइट? तो हमें ये डेल्टा फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस डेफिनेशन। तो सबसे पहले ये कंसीडर करना है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। नाउ टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करना होगा ना, तो कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, एफ ऑफ एक्स मिलेगा टू एक्स प्लस थ्री, एल इज सेवन एंड ए इज टू, इतना हो गया। Now consider this equation,
मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, ये सिर्फ अल्जेब्रिकली मैंने सॉल्व किया है. देन टू इज कॉन्स्टेंट, टेक आउटसाइड. मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, टू से डिवाइड करूं. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन टू. नाउ टू यहाँ पे क्या है, ए, राइट? दैट मीन्स एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाय टू. तो तुम क्या कंसिडर कर सकते हो, अगर तुमने डेल्टा एप्सिलॉन बाय टू कंसिडर कर लिया, ठीक है, अगर तुमने डेल्टा एप्सिलॉन बाय टू कंसिडर कर लिया तो क्या ये कंडीशन मिलेगा? यस यस राइट. ओके, एंड अबाउट दिस इक्वल साइन, एक मिनट, इक्वलिटी ऐसे एक्ट होता है, ए ओके, नो नो, यू डोंट टेक लेस देन साइन, यू डायरेक्टली टेक डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय टू. ओके, सो अगर तुमने डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय टू कंसिडर किया तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा? हमें सिर्फ डेल्टा फाइंड आउट करना है. मीन्स वो 2x माइनस 4 कैसे आया? एक मिनट, सी तुम इक्वेशन चेक करो, दीज आर सिली सिली डाउट्स. चेक दिस, 3 माइनस 7 क्या होता है मांगी? यस यस 4. या सो पे अटेंशन एंड पेपर एंड पेन अपने पास रखो, कैलकुलेशन करते जाओ. ठीक है मिस, नीचे एप्सिलॉन बाय 2 वो मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना? एप्सिलॉन या ये तो ग्रेटर देन 0 ही है ना. अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एप्सिलॉन बाय 2 भी ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना? यस, मिस जो मॉड में है या उसे यहाँ पे डिवाइड में लेना है. हाँ एक मिनट, एप्सिलॉन मॉड में कहाँ है? सी हमने ये इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है. हाँ मिस, मतलब जो नंबर मॉड में उसे एप्सिलॉन से डिवाइड करना है ना नीचे. नो नो नो, एप्सिलॉन से नहीं डिवाइड करना है. सी ये इक्वेशन 2 मिला, यस, यहाँ हो गया. अभी ये 2 क्या है? ए, राइट? यस, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट किया है ना. सो दैट मींस जनरल फॉर्म क्या हो गया, एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन 2, ये मिल गया. अभी इसके बाद हम डेल्टा, अगर इसको कंसिडर कर ले कि एप्सिलॉन बाय 2 हम डेल्टा ले रहे हैं, तो क्या मुझे ये फॉर्म मिलेगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा? यस, इधर तक ठीक है. अभी हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड हमें ये इक्वेशन मिला है. सो सी ये ऐसा आएगा, सो एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2. सो क्या डेफिनेशन हो गया सेटिस्फाई? समझा क्या सबको? यस यस. हमने स्टार्ट यहां से किया था, देन वी केम हियर, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और इसको हम लोग डेल्टा कंसिडर कर लेंगे. सो हो गया ना हमारा डेफिनेशन सेटिस्फाई. तो हम डेल्टा क्या कंसिडर कर सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 2. यस, नाउ हु इज दिस सागर? कौन है सागर? किसी का तो फेक आईडी है. हेलो, गायब हो गया, लीव हो गए मैम. एक ही सागर है अपने पास में, फोन करती उसके घर पे. ओके सो कंटिन्यू करते हैं. ओके ये समझा क्या सबको, क्या किया हम लोग ने? तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ये डेफिनेशन याद रखो कि
फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट होगा जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा f of x minus l less than epsilon for all mod x minus l less than delta अगर ये हो गया satisfy that means f of x tends to l as x tends to a ठीक है then तुम्हें क्या करना है इससे कोई भी limit solve कर सकते हैं yes see actually ना ये बहुत vast process है limit जब तुम highest studies करोगे तब हम ऐसे limit नहीं solve करते directly जैसे l मतलब क्या है यहाँ पर L is this, जो आंसर हमें मिलता है लिमिट का as x tends to a f of x tends to l so higher studies epsilon हाँ okay let me finish हम theoretical definitions use करते हैं ठीक है which is abstract form imaginations होता है ऐसे but ये सब अभी तुम लोग को नहीं है ये सिर्फ इन्होंने introduction में अभी दिया है ठीक है तो इसके ज्यादा questions आएंगे भी नहीं 12th में हाँ नो 12th में भी नहीं है ये सिर्फ लिमिट के स्टार्टिंग में उन्होंने एज अ डेफिनेशन होता है तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक्चुअली दिस इज अ रियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट थ्योरेटिकल डेफिनेशन एंड हम जो अब तक करते आ रहे हैं वो कैलकुलेशंस पार्ट है तो इसके क्वेश्चंस है इस पे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है ना तुम्हें डेल्टा फाइंड आउट करना ठीक है वैसे ही क्वेश्चन आएगा तुम्हें ये लिमिट फाइंड आउट करने नहीं आएगा बाय यूजिंग दिस ये अभी नहीं है तुमको ठीक है तुम्हें सिर्फ डेल्टा फाइंड आउट करना है तो वो तो कर सकते हो ना बाय यूजिंग दिस प्रोसेस सिंपल इक्वेशंस होंगे तुम्हें सिर्फ डेल्टा फाइंड आउट करना है सी क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है सो एक और क्वेश्चन करते हैं जिसने नहीं लिखा होगा नो प्रॉब्लम मैं पीडीएफ भेज दूंगी ठीक है यू जस्ट पे अटेंशन हियर सेकंड वन लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू माइनस सेवन ओके अभी ये लिमिट ऑलरेडी हमें फाइंड आउट करके दिया है माइनस सेवन हमें सिर्फ डेल्टा फाइंड आउट करना है सो पहले तो कंपेयर करो कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म से कंपेयर करो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल ठीक है ये हमारा जनरल फॉर्म है व्हेन एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल सो ए क्या है अभी यहाँ पे माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री एंड एफ ऑफ एक्स इज थ्री एक्स प्लस टू थ्री एक्स प्लस टू माइनस तुमने सारे वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तुम्हें सिर्फ डेल्टा फाइंड आउट करना है सच दैट सो कंसिडर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो कंसिडर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन ये इक्वेशन कंसिडर करो और इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एफ ऑफ एक्स एंड एल सो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ थ्री एक्स प्लस टू माइनस माइनस सेवन माइनस सेवन less than epsilon अब ये क्या आएगा mod of 3x plus 2 plus 9 yeah so 3x plus 9 अभी क्या हम यहां से 3 common निकाल सकते हैं yes yes x plus 3 less than epsilon that is 3 mod of x plus 3 less than epsilon okay ये आ गया हमें क्या चाहिए x minus a less than delta ये form चाहिए हमें right एंड ए का वैल्यू है माइनस थ्री तो क्या हम एक्स प्लस थ्री को ऐसे अरेंज कर सकते हैं एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री यस यस सो थ्री एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री लेस देन एप्सिलॉन ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है वापस अभी थ्री से डिवाइड करो इक्वेशन दैट इज एक्स माइनस ऑफ माइनस थ्री लेस देन एप्सिलॉन बाय थ्री अब अगर तुमने इसको डेल्टा ले लिया तो क्या तुम्हें जनरल फॉर्म मिल जाएगा एक्स माइनस एल एच डेल्टा यस यस मैम थोड़ा ब्लर सो समझा सबको क्या करना है यस यस समझा तो अभी क्वेश्चन नंबर लास्ट ट्राई करोगे दिस वन यस डिवाइड करो थ्री से इक्वेशन डिवाइड करो थ्री से बिकॉज हमें
LHS में थ्री की जरूरत नहीं है एंड थ्री इज कॉन्स्टेंट. तो सो टेक हियर, यहाँ पे लेके जाओ, शिफ्ट करो. सो मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आएगा डिविजन में. मैम कौन सी एक्सरसाइज का समय है? 7.1 क्वेश्चन नंबर 4th. मींस x माइनस 9 स्मॉलर देन डेल्टा कैसे आया? वेयर? लास्ट में जो लिखा है ये वाला. अरे ये 9 नहीं है, ए है. ए हाँ समझ. बट मींस a इज इक्वल्स टू 3. A is minus 3, no? See, question देखो. Yes, A minus 3. A is minus 3, और यहाँ पे भी देखो. X minus of minus 3 means what? X plus 3 only. हमने सिर्फ इसको अरेंज किया. Yes. ठीक है. So, अभी third one try करो. लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3. सो कंपेयर करो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू l. सो a इज 2 2 f ऑफ x x स्क्वायर माइनस 1 एंड l इज 3 3. अभी इक्वेशन कंसिडर करो. कंसिडर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन. मैम कैमरा ऑफ हो गया. यस मैम कैमरा ऑफ हो गया. ऑफ हो गया. हो गया. ओके वेट अ मिनट, बाकी सब भी कर लें. ओके सो यू कंप्लीट दिस, गिव मी 2 मिनट्स. मैम थर्ड वाला नहीं समझा? यस मिस नहीं समझा. या 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 आई एम लुकिंग इनटू दैट. थोड़ा सा डिफरेंट है ना मैम. फैक्टर करने के बाद क्या करने? फैक्टराइज ही हूं. हां मैं वही क्या करना है. x माइनस 2 x प्लस 2 के बाद नहीं आ रही. यस 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 इवन आई एम सॉल्विंग दैट. या सो ये ऐसा आ रहा है ना, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस 4 माइनस लेस देन माइनस 3 आएगा. माइनस 3 माइनस 3 है. 3 माइनस 1 l इज 3. सो x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन एप्सिलॉन. सो दैट मींस अगर हम इसका फैक्टर निकाले तो x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन. बट हमें चाहिए क्या? x माइनस 2 लेस देन डेल्टा, राइट? Yes. Yes. That means अभी हमें ये eliminate करना है. So how to eliminate this? हम उसको भी x minus minus two करके लिख सकते हैं. X minus और minus two. उसको x plus two को. This one इसको क्या करना? X minus of minus two. ओके प्लस माइनस 2 किया.
प्लस की जगह माइनस माइनस करके भी कर सकते हैं। ओके नो 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 नहीं हमें ये टर्म नहीं चाहिए। ये सो एक्स फोर्थ वन भी ऐसे ही आएगा क्या? x² + x + 1 यस मिस वैसे फैक्टराइजिंग फैक्टर फोर्थ वन भी या राइट राइट सो आई नीड टू सॉल्व दिस ओके ओके सो तब तक तुम लोग कुछ सम्स देख सकते हो जिसमें तुम्हें डाउट हो या फिर एनीथिंग यस आई एम सॉल्विंग दिस यस मैम मिसलेनियस हां मिसलेनियस चेक कर लो तब तक हां एंड फॉर मॉड फंक्शन एंड दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू यू रिमेंबर मैंने LHS एंड RHS लिमिट बताया था याद है या भूल गए yeah. हाँ वो हम उसमें यूज करेंगे तो वो छोड़ के बाकी कुछ सम्स होगा तो ट्राई करो डाउट होगा तो सॉल्व कर लेंगे मीनवाइल या मीनवाइल आई एम डूइंग दिस गिव मी 5 मिनट्स यस सो सी हियर यहां तक हम लोग ने कर लिया राइट मॉड ऑफ x² - 4 < ε एंड x² ये हो जाएगा x + 2 x - 2 < ε राइट अभी सी हमें ये टर्म चाहिए ये टर्म नहीं चाहिए राइट बिकॉज हमें ये निकालना है x - 2 < δ ये डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए वी नीड दिस सो दैट मीन्स हमें ये टर्म एलिमिनेट करना है सो इसका एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकाल लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाइक सी कंसिडर x + 2 is < δ सो यू रिमेम्बर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था मॉड का इफ मॉड एक्स इज लेस देन एम दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन एम एंड लेस देन माइनस एम ग्रेटर देन माइनस एम लेस देन एम तो अभी यहाँ पे x + 2 > -δ एंड लेस देन डेल्टा यस तो x कहां से कहां पे लाई करेगा इफ x + 2 lies between -δ and δ 2 को यहां से रिमूव करना है दैट मींस माइनस सब्ट्रैक्ट करो तू यस माइनस आ जाएगा x माइनस -2 - δ -2 राइट यस यस ओके सो अभी
यस वी ओके नाउ कंसीडर एनी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल्टा. कोई भी एक स्मॉल वैल्यू ले लो डेल्टा का. ओके सो अगर डेल्टा मैंने वन ले लिया सो एक्स इज लेस देन ये हो जाएगा माइनस वन. हम लोग ने कुछ मिस्टेक किया है क्या इधर? नहीं ना. मिस प्लस टू नहीं चाहिए ना. माइनस टू लेना है. यस मैम माइनस टू है ना. टू लेना है मिस. नो नो वी वांट दिस वैल्यू. माइनस टू चाहिए. एक्स माइनस टू. यस एक्स माइनस टू हमें चाहिए. अगर हमने एक्स प्लस टू का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया फिर वो कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन उसको यहाँ पे लेके जाएंगे. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस. बट अगर तुमने एक्स माइनस टू लेके भी किया तो भी चलेगा बिकॉज लास्ट में हम मिनिमम वैल्यू ही कंसिडर करने वाले हैं. सो अगर तुमने एक्स प्लस एक्स माइनस टू लेके सॉल्व किया लेस देन एप्सिलॉन अगेन नो डेल्टा. सो माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस टू लेस देन डेल्टा. टू ऐड करो सो टू माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा प्लस टू. अब अगर तुमने डेल्टा इक्वल टू वन लिया तो ये क्या आ जाएगा? वन 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 लेस देन एक्स लेस देन थ्री थ्री. राइट दिस मच इज फाइन. ओके हाँ हाँ ओके. अभी तुम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो x प्लस टू का वैल्यू बिकॉज x प्लस टू तुम्हें एलिमिनेट करना है. राइट सो ऐड करो टू. थ्री क्या आएगा? x प्लस टू लाइज बिटवीन थ्री एंड फाइव. तो मॉड x प्लस टू क्या आ जाएगा? लेस देन फाइव. राइट अभी ये मुझे एक लिमिट मिला है. ठीक है मॉड एक्स प्लस टू लेस देन फाइव तो ये टोटल मॉड एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? फाइव एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन. फाइव इज कॉन्स्टेंट टेक आउटसाइड मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लेस देन एप्सिलॉन. देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज लेस देन एप्सिलॉन बाय फाइव. यस राइट अभी तुम यहाँ पे वन की जगह पे और भी कोई स्मॉल वैल्यू ले सकते हो लाइक वन बाय टू ले लो जीरो ले लो. जीरो बिकॉज डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो. हाँ हाँ सो कोई भी एक वैल्यू ले लो. नाउ अभी यहाँ पे देखो एक्स माइनस टू मुझे मिला है लेस देन एप्सिलॉन बाय फाइव. राइट यस एंड इनिशियली मैंने डेल्टा का वैल्यू वन कंसिडर कर लिया था यहाँ पे. Yes. So, अभी डेल्टा के दो वैल्यू हो गए. दैट मीन्स डेल्टा तुम्हें मिनिमम वैल्यू कंसिडर करना है वन एंड एप्सिलॉन बाय फाइव से. ठीक है वन कैसा है? वन ये वन हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया था ना पहले ही. तो यहाँ पे जो तुम कंसिडर करोगे वो वैल्यू आएगा. अगर तुमने यहाँ पे टू कंसिडर कर लिया तो ये आएगा मिनिमम ऑफ टू कॉमा एप्सिलॉन बाय देन ये फाइव नहीं आएगा ये समथिंग एल्स कोई दूसरा वैल्यू आएगा यहाँ पे. समझा? यस यस मिस. तो हम लोग मैं वो इक्वल एक्स प्लस टू इक्वल टू फाइव कैसे हुआ? एक्स प्लस टू इक्वल टू सी ये हमारा एक लिमिट है कि एक्स प्लस टू इज लेस देन फाइव सो यू कंसिडर दिस वैल्यू एज अ फाइव. हमें अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करके दिस इज लेस देन एप्सिलॉन चाहिए. राइट सो तुम अभी कोई भी लेस देन वैल्यू लो लेस देन फाइव ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगा ना अगर तुमने ये बाउंड में लिया तो. सो दैट्स व्हाई आई सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू. ओके सो देयर आर लेस चांसेस कि ये क्वेश्चन तुम्हें पूछे जाए बट ये पता होना चाहिए बस तुम्हें. मैं ऊपर करूँ ना देख.
मिस वो थ्री को क्यों नहीं लिया? कौन सा? ये वाला नीचे यहाँ पे? हाँ यस मिस, वो थ्री को क्या किया? थ्री को नहीं लेना, हम अपर बाउंड लेंगे। मिस अगर उधर टू होता तो? अगर यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू टू? नो नो, फाइव की जगह पे अगर टू होता तो? फाइव, एक मिनट, फाइव की जगह टू हो सकता है क्या? अगर टू होता तो फिर थ्री लेते ना? नहीं, यू टेल मी, फाइव की जगह टू हो सकता है क्या? एक्स ग्रेटर देन थ्री एंड लेस देन टू, ऐसा हो सकता है क्या इक्वेशन? नो 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 नो, एक वैल्यू का, एग्जैक्टली, एक वैल्यू का भी तीन से बड़ा और टू से लेस हो सकता है क्या? नो नो, डेसिमल है। एग्जैक्टली, कैमरा थोड़ा नीचे लो ना मैम। Done? Yes. Okay. So similarly fourth one करोगे? Same ऐसे ही करना है factors निकाल के। So that मैं आगे के sums बताऊं। Is it fine? Yes. 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 Don't take lots of stress with this. ये rarely chances है कि ये तुम्हें exam में आएंगे, ठीक है? But ये definition तुम्हें पता होना चाहिए. That's why. Okay. Now you remember मैंने LHS and RHS limit बताया था? Yes. Yes. ओके okay. अगर ये x लेफ्ट हैंड साइड से a की तरफ आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? LHS लिमिट। अगर ये RHS की तरफ, ये राइट हैंड साइड से आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? RHS लिमिट। एंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मींस व्हाट? ये LHS एंड RHS लिमिट दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है? नाउ सी दिस, मिसलेनियस ओपन करो। समवन जस्ट टेल मी पेज नंबर मिसलेनियस का क्या है? 158। क्वेश्चन नंबर टू का टू। हाँ हाँ, एक मिनट, कंटिन्यूटी ओपन हो गया, एक मिनट। यस, सो हाँ, क्वेश्चन नंबर टू देखो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, एमसीक्यू के बाद। क्वेश्चन नंबर टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए लिमिट फाइंड आउट करना। एंड देन एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू वन। ओके, सो ये दो क्वेश्चन देखो। सो बिफोर दिस क्वेश्चन नंबर टू, कम टू दिस क्वेश्चन नंबर फाइव। f of x, दो वैल्यू है f of x के, राइट? 7 माइनस 4x एंड x square प्लस 2 फॉर x लेस देन 1 एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? हमें चेक करना है लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, ठीक है? बट फंक्शन मेरा दो पार्ट में डिवाइड है, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, जब फंक्शन का एक यूनिक वैल्यू नहीं होता, उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, LHS एंड RHS लिमिट फाइंड आउट करना है। अगर LHS लिमिट इक्वल टू RHS लिमिट, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और वो लिमिट का वैल्यू क्या होगा, जो वैल्यू तुम्हें मिलेगा, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS आएगा, राइट? अगर LHS लिमिट इज नॉट इक्वल टू RHS लिमिट, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? अभी LHS एंड RHS लिमिट कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले LHS लिमिट फाइंड आउट करते हैं एट x इक्वल टू 1।
सो लिमिट एक्स टेंस टू वन. नाउ अभी मैंने तुम्हें नोटेशन बताया था कि एलएचएस लिमिट के लिए नोटेशन क्या लेना है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वन माइनस में है. Yes. ये सिर्फ इसका नोटेशन है. ठीक है, ये हम क्यों यूज करते हैं? टू नो दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन, हमें फंक्शन क्या कंसिडर करना है. सो लिमिट एक्स टेंस टू वन. अब एफ ऑफ एक्स क्या लोगे एल एच एस के लिए वेर एक्स इज लेस देन वन, तो क्या सेवन माइनस फोर एक्स. सेवन माइनस फोर एक्स. अभी तुम ये सिंपली लिमिट फाइंड आउट करो. ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू वन, सेवन माइनस फोर एक्स क्या आएगा. डायरेक्ट मेथड यूज करो, थ्री आएगा. सेवन माइनस फोर इंटू वन, सो थ्री. ये हो गया तुम्हारा एल एच एस लिमिट. नाउ फाइंड आउट आर एच एस लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन. No, notation is limit x tends to 1 plus f of x equal to x square plus 2. x square plus 2. x square plus 2. Because RHS limit find out karte time, tumhe wo function lena hai where x is greater than 1. So, wo kya aega? X square plus 2. So this is equal to 1 plus 2 1 equal plus 2, 3. To 3. So you see LHS equal to RHS? Yes. 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 Or limit ka value kya aega? 3. Limit 3. Extends to 1 f of x equal to 3. See, ye process bahut important hai because whole continuity is depend upon this. So main LHS and RHS limit find out karne aana chahiye. Theek hai? सो यू रिमेम्बर कि एल एच एस लिमिट फाइंड आउट करते टाइम हम फंक्शन वो कंसिडर करते हैं वेर एक्स इज लेस देन दिस वैल्यू, एंड आर एच एस के टाइम हम वो फंक्शन कंसिडर करते हैं वेर एक्स इज ग्रेटर देन वन. एंड ठीक है, एंड टू फाइंड एफ ऑफ वन ये क्या आएगा, फंक्शन क्या लोगे, जनरल क्वेश्चन. बिकॉज x equal to 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू इज x square plus 2. So, ये वैल्यू कंसिडर करते हैं. ओके, नाउ अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पे आओ. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट x टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x. अभी तुम्हें a का वैल्यू क्या दिया है, 0. यस अभी yes. मुझे ये बताओ फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड होगा यहाँ पे. फर्स्ट इज व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, एंड सेकंड इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. व्हेन एक्स इज ये माइनस वन टू जीरो के बीच में हो, एंड व्हेन एक्स इज ऐसे लिख लेते हैं ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन. अभी मुझे ये दो वैल्यू बताओ. ठीक है, नंबर लाइन देखो, ये है मेरा जीरो, ये मेरा माइनस वन. टेल मी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ माइनस वन. माइनस वन डेसिमल में नहीं है, मतलब वही इंटीजर आएगा. नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ये ले लो माइनस 0.7. माइनस वन. माइनस वन. माइनस 0.5. माइनस वन. राइट, जीरो अभी यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ये सिर्फ मैंने लिमिट लिया है माइनस वन टू जीरो. तो ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस वन. माइनस वन. माइनस वन. समझा. अभी यहाँ पे आओ, जीरो से लेके वन, अभी हम जीरो इंक्लूड कर रहे हैं एंड दिस इज माय वन. 0.1 का वैल्यू जीरो. 0.2 जीरो. 0.9 जीरो. जीरो. ये वैल्यू क्या आएगा, जीरो. नाउ फाइंड आउट, अभी तुमने फंक्शन फाइंड आउट किया है, अभी लिमिट फाइंड आउट करना बाकी है. सो फाइंड आउट दिस LHS लिमिट. लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू -1 रहेगा. -1. अभी फंक्शन डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू है तो लिमिट भी डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू आएगा. Now limit x tends to 0 plus f of x is equal to 0. क्या ये दोनों limit equal है? No. Therefore limit does not exist. No ma'am. हाँ, yes. Exist नहीं है. Yes. समझा. Is it clear? Okay. हाँ, एक okay. एक और question पूछूं?
मॉड फंक्शन याद है सबको डेफिनेशन? यस यस। एक्स कब आएगा? इंटीजर रहेगा। अरे मॉड नो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू नहीं पूछ रही मैं, मॉड एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो माइनस एंड प्लस होता है। मॉड एक्स पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी आएगा। यस यस यस। माइनस एक्स कब आएगा? लेसर देन 0, लेसर देन 0। ये हो गया डेफिनेशन इसका, राइट? ओके, सो अभी देखो, अगर मुझे फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ एक्स, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो जीरो। पक्का? एक्स आएगा, एक्स 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 आएगा। एक्स पे लिमिट भी तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। टेल मी फाइनल आंसर। जीरो। यस, बी कॉन्फिडेंट। जीरो आएगा। जीरो आएगा। जीरो आएगा। यस। ओके, या दैट इज फाइन। या फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन इज इंटरेस्टिंग वन, अगर ये तुम्हें आ गया है तो फोर्थ वन। ओके, एनी अदर डाउट्स? तो हम पहले डाउट सॉल्व कर लेंगे, देन आई विल कम टू दिस। मैम फंक्शन का एक डाउट है। फंक्शन? यस मिस, फंक्शंस। यस मैम। या टेल मी, एक फंक्शन का। ओके एक मिनट, मेरे को फिर ये फोर्थ वन कंप्लीट करने दो, देन उसके बाद फंक्शन पे आते हैं, ठीक है? एंड रेंज, मोड का रेंज कैसे निकालना है? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। इफ मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज हमने किया है पॉजिटिव, यस पॉजिटिव। हाँ, हमने ग्राफ भी किया था। मॉड्यूलस फंक्शन का रेंज क्या आएगा? सी ग्राफ, मॉड फंक्शन का ग्राफ हमेशा याद रखो लाइक दिस, ये हमेशा ऐसा आएगा ना? यस यस। तो डोमेन क्या आएगा? डोमेन ये फुल आर आएगा, फुल आर आएगा। एंड रेंज क्या आएगा? फ्रॉम जीरो टू इनफिनिटी। ये हो गया मॉड का रेंज। मैम सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड वन थे। सेकेंड एक्सरसाइज का सेकेंड वन, फंक्शन का। फंक्शन इट्स 6.2 सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब लास्ट क्वेश्चन है ना उसका सेकेंड सम। ओके ओके, ये भी करते हैं पहले। हाँ पहले ये क्वेश्चन फोर्थ कर लेते हैं, देन इसके बाद वो करते हैं, ठीक है? वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, ठीक है? सी दिस, मैं सिर्फ इसका हिंट बताती हूँ, तुम लोग कंप्लीट कर लेना। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसके दो वैल्यू आएंगे। फर्स्ट वन इज एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, अगर हम आर एच एस लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स टेंस टू प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अभी आगे कैसे सॉल्व होगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉमन निकाल लो, वन प्लस एक्स, राइट? Yes. Yes. अब तुम ये कैंसिल कर सकते हो, सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो, अगर एल एच एस लिमिट फाइंड आउट किया, दैट मीन्स फंक्शन क्या लोगे? राइट, अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स अपॉन एक्स कॉमन निकालो, ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन प्लस माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, माइनस वन माइनस वन। आप बताओ क्या ये दोनों इक्वल है? डज नॉट एक्जिस्ट, नॉट इक्वल। ओके ओके, दिस वन इज फाइन। नाउ कल किसी ने क्वेश्चन नंबर 24 ये भी पूछा था ना,
शुभम ने पूछा था yes. x tends to infinite 8x square plus 5x plus 3 divided by 2x square minus 7x minus 5 raised to 4x plus 3 upon Yes. मैं इसका पावर और ये अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं ना सेपरेट हां सेपरेटली सेपरेट करना दोनों का हां इसमें भी लिमिट फाइंड आउट करो एंड इसमें भी लिमिट फाइंड आउट ठीक है तुम कंबाइनिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हो सो दिस इज इक्वल टू सी प्रोसीजर सेम अप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड करो x स्क्वायर से अभी यहां पे देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड करोगे x से x x ऐसे सॉल्व करते जाओ ठीक है यस यस समझा ओके अभी मेरे को चैप्टर 6 ओपन करना है ना पेज नंबर बताना 128 एक मिनट पीडीएफ पेज नंबर इज डिफरेंट ओके सो 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने पूछा अभी मैम क्वेश्चन नंबर 11 एक मिनट किसी ने क्वेश्चन नंबर 2 भी बोला ना नो मैम मैं ही था वो क्वेश्चन नंबर 11 है अच्छा ठीक था एक मिनट हां क्वेश्चन नंबर 11 9th और 10th डाउट हां मैम सेकंड बताओ सेकंड ओके या एक मिनट मेरे को यस सो 1 2 3 पर मत बोलो बिकॉज़ ए बी सी डी दिया है ना सो मेरे को काउंट करना पड़ेगा बी 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 पार्ट मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 3 दिस वन यस यस ओके मैम आई जे बी I is last a. two questions okay okay fine fine so question dekho kya hai solve the following my camera is off okay solve the following for x where mod x is modulus function okay so okay okay hame solve karna hai that means kya karna hai x ka value find out karna hai right yes ये हमने किया था ना क्लास में रिमेम्बर किया था यस yes, किया था यस मैम ओके जस्ट अ मिनट डू यू हैव क्लास आफ्टर दिस यस 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 आंसर 6:30 entrance. Okay, I'll just take 5 minutes. Mod of x minus 4 plus mod of x minus 2 equal to 3. So, you remember, हमने इसके लिए cases किए थे. Yes, three cases. Yeah, किसी को याद है क्या किए थे? Yes, ma'am. हाँ, yes. x minus 2 को 3 के उधर लेना है. Minus x minus 2. Minus x minus 2. फिर वहाँ से case बनेगा. See, right, exactly. So see here, किसका डाउट था ये एक मिनट जरा नाम बताना so that I can communicate. Tejas, हाँ. Yes. Okay, okay. Tejas, so see, सबसे पहले तो x minus 4 mod is equal to 3 minus mod of x minus 2. Even तुम x minus 2 का भी value find out करते हो, no problem. x minus 2 is equal to 3 minus mod of x minus 4. कोई भी एक value ले.
ठीक है ओके नाउ सी इफ मॉड ऑफ x इक्वल टू m देन x इक्वल टू प्लस n माइनस m ये हमने क्या था क्या यस राइट अगर ये ऐसा होता है मॉड x इज लेस देन m तो हम लिखते हैं x ग्रेटर देन माइनस m लेस देन m राइट सो अभी यहाँ पे इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू प्लस एन माइनस m ये टर्म कंसिडर करेंगे राइट तेजस यस यस तो अभी इसका वैल्यू मुझे बताओ क्या आएगा x माइनस फोर इक्वल टू प्लस माइनस थ्री माइनस प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू राइट अगर तुमने सेकेंड वन कंसिडर किया है तो x माइनस टू का वैल्यू मिलेगा यस सो अभी हम ये कंसिडर कर रहे हैं सो दिस इज फाइन Now, अभी यहाँ से मुझे दो वैल्यू मिला है दैट इज x माइनस फोर इक्वल टू थ्री माइनस मॉड ऑफ x माइनस टू एंड अनदर वैल्यू इज x माइनस यस इक्वल टू माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया yes. इतना ठीक है okay. yes. अभी तुम्हें ये दो इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये कंसिडर कर लो सपोज ये मेरा इक्वेशन वन है एंड ये मेरा इक्वेशन टू है सो फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स माइनस फोर का वैल्यू क्या मिला था थ्री माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू राइट यस अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो ये वैल्यू क्या आएगा जब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का वैल्यू फाइंड आउट करो तो इसको यहाँ पे लेके आओ पॉजिटिव हो जाएगा And then 3 minus x plus 4. ये समझा arrangement? Yes. So this seven is minus equal x, to 7 minus, minus x. x plus 7. Okay. Yes. This is fine. Okay. अब मुझे ये बताओ, ये वापस से मुझे मिला mod x equal to m. Right? So इसके plus वापस दो value होंगे. Yes. x minus 2 equal to minus x plus 7 and x minus 2 equal to माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस सेवन यस राइट अब मुझे बताओ यहाँ से क्या मिलेगा वैल्यू टू एक्स इक्वल टू एक्स सेवन प्लस टू हाँ नाइन बाई टू नाइन बाई टू आएगा नाइन बाई टू और यहाँ से अब देखो एक्स माइनस टू इक्वल टू नॉट सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड प्लस सेवन सो ये आएगा नो सॉल्यूशन Yes. Because x x cancel हो रहा है and 7 equal to minus 2 which is not true. Yes. So no solution. Means हमें एक x का एक value मिल गया. Now अभी second value तुम कहाँ से find out करोगे by using this equation 2. Minus वाला yes. Right? कर लोगे same proceed करना आगे. Yes. Now ये कितने बजे है next lecture? 6:30. 6:30. 6:30 no sir. Five minutes. Okay, कौन सा था next? X equal to zero, 0.. मैं last sum, last two sums. Last okay. I. Fractional X. This is equal to 0.5. Okay, ये क्या है अभी? Fractional part. ये fractional, fractional है. Fractional part. Fractional part of a function. राइट अगर मुझे वैल्यू आया 1.5 दैट मींस इसका वैल्यू क्या आएगा 0.5 सबको याद है राइट सो अभी ये वैल्यू देखो दिस इज इक्वल टू 0.5 सो दैट मीन्स अब मुझे ये बताओ ओके हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि ये 1.5 लिया फॉर 1.5 दिस फ्रैक्शनल पार्ट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.5 राइट यस यस फॉर 2.5 दिस वैल्यू इज 0.5 यस फॉर माइनस 1.5 वैल्यू विल बी माइनस 0.5 माइनस माइनस 0.5
अब मुझे बताओ कि ये 0.5 मुझे कौन कौन से वैल्यू पे 0.5 आएगा? 1.5, 2.5, 3.5 भी आएगा. राइट, करेक्ट. आर ऑल द 1.5, 2.5, 3.5. बट वो 0.5 में होना चाहिए. यस, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में. हां, यस, ऑल रैशनल. दैट मींस अब सी, अब मुझे ये बताओ, एंड इवन इंक्लूडिंग दिस 0.5. अब मुझे बताओ 1/2 इज इक्वल टू 0.5. नाउ 1.5 तुम्हें कब मिलेगा? 3/2. राइट, दैट मींस अब तुम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो. अभी इसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ना, तो तुम ऐसे x कंसिडर करो सच दैट x equal to n by 2. Odd number point. Yeah, n is your integer. Yes, तुम odd number consider कर सकते हो, because 2 का नहीं आएगा. 3, yes, 2 नहीं आएगा. And 4 then नहीं आएगा. 4 भी नहीं आएगा. 2.5 even नहीं आएगा, सिर्फ odd आएगा. 5/10. Miss, नीचे even आएगा. हाँ, so तुम यहाँ पे लो 2n+1. Yeah. ठीक है. Yes. 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 Now it is fine. Okay. And even तुम्हें negative number भी नहीं चाहिए, -0.5 नहीं चाहिए ना, सिर्फ 0.5 चाहिए. Right? So तुम यहाँ पे n consider करो natural number. अभी ठीक है? मिल गया set? Yes. Check करो. अगर n इक्वल टू तुमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, 3/2, हाँ, सम वैल्यू, ये वाला वैल्यू रह गया 0.5. या टेक होल नंबर. यस, अभी ठीक है. ओके, मिस पर माइनस भी आता है ना, मिस -1.5 हमें 0 -0.5 नहीं चाहिए ना फ्रैक्शन वैल्यू. राइट, डन. एक मिनट. आई एम थिंकिंग अबाउट दिस -0.5 पार्ट. ओके, सो फॉर टाइम बीइंग कंसीडर दिस होल नंबर 0 -0.5. आई विल फिक्स दिस देन टेल यू. ठीक है? यस. But yeah, they are asking x is equal to 0.5. उन्हें -0.5 नहीं बोला है ना? Yes, 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 yes. Yeah. Okay, अभी क्या रह गया? Last one. Okay. N by 2 or n belongs to z, integer. N by 2. X such that x is equals to n by 2, n belongs to z. But n by 2 liya to, n by 2 means for n equal to 2 value to nahi aayega. Yes. Nahi aayega. Haan, to hum pura z nahi le sakte, means n nahi consider kar sakte. Because agar humne n consider kar liya, to ye n by 2, and for z equal to 2, ye ho jayega 1. फिर yes. इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो जीरो आएगा, है ना? व्हेनेवर एक्स इज प्योरली इंटीजर वैल्यू, या ओके, लेट मी फिक्स दिस. ओके, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है. अकॉर्डिंग टू 2n+1/2 ही आना चाहिए.